सो गाइस, आपके पास है यामाहा FZ बाइक और इसमें हो रहा है ओवर रेस, स्पीड नहीं है, यानी कि पिकअप नहीं है गाड़ी में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या दिक्कतें आ सकता है इसके बारे में हम फुल जानकारी देने वाले हैं। इसलिए चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाड़ी ओवर रेस होता है, इसका मैं रियर बताइए जैसे देख पा रही है क्लच प्लेट, ठीक है दोस्तों, ये जल जाता है चल चल के, ठीक है दोस्तों, ये ख़राब हो जाता है, हार्ड हो जाता है और घिस जाता है, इसकी वजह से गाड़ी ओवर रेसिंग होता है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा इसमें आता है जैसे कि देख पा रही है प्रेशर प्लेट, ये भी कट गया है, लाइनिंग आ गया इसमें, इसलिए हमें इसको भी चेंज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी तो इसी में सीमित हो जाएगा, अगर ऐसे आप गाड़ी को चलाते रहे तो बाद में जो है ये जैसे देख पा रही है इसके अंदर जो है ये वाली पॉइंट कट सकता है, ठीक है दोस्तों। अभी ये कट जाएगा तो इसके ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है आपका, इसलिए अब समय पर गाड़ी को इसी मैकेनिक भाई से दिखा लेना चाहिए। और उसके अलावा ये भी रहता है सेंटर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इधर से ये भी घिस जाता है, कट जाता है, अगर गाड़ी आपको ओवर रेस हो रहा है, आप ज़्यादा टाइम यूज करते हो गाड़ी को चलाते हो, तो ये भी कटने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए आप ऐसा ना करें, किसी मैकेनिक भाई को ज़रूर गाड़ी चेक करवाएं, ठीक है दोस्तों। फिर उन्होंने ऐसे काम करेगा कि जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही उसको खोलेगा, फिर उसके बाद जो है आपको गाड़ी सही करके देगा, यानी कि जो ख़राब होगा वो सही करके देगा, ठीक है दोस्तों। और साथ में ये जो ऑयल फिल्टर है ज़रूर इसको एक सर्विस करते समय चेक करवाना चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखो बहुत टाइम से इसको चेंज नहीं किया है, ये ऑयल फिल्टर जो है ख़राब हो चुका है पूरा। ऐसे में क्या होता है जब गाड़ी चलता है तो ये है ऑयल पम्प, ठीक है दोस्तों, इधर से क्लच कवर में आने के बाद जो हेड में जाता है ऑयल, उसके बाद हेड से होते हुए इधर से जो है क्लच का जो ये सापट है इसके अंदर से ऑयल आता है, फिर ये क्लच में सप्लाई होता है, ठीक है दोस्तों, क्लच प्लेट में ऑयल आता है, ठीक है। जैसे कि यह यामाहा FZ बाइक न्यू मॉडल, ठीक है दोस्तों, इसका हम बनने वाले क्लच फिट करने वाले। अगर जानना चाहते हैं कि कैसे क्लच फिट होता है तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले जो इसके अंदर जो इस वाले रॉड को लगाना होता है, ले सापट जो है गियर का इसके अंदर ऐसे लगा देना है, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे करके लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये पतली साइड है देख पा रहे हैं, ये पतली साइड अंदर को जाएगा और मोटी साइड जो है बाहर रहेगा, ठीक है दोस्तों। फाइनली ऐसे करके इसको अंदर रख देना है, उसके बाद एक इस तरह का बोल्स आएंगे, ठीक है दोस्तों, जो कि इस बोल्स को भी अंदर लगा देना है। खोलते समय आपको ध्यान देना है कि ये बोल्स गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये क्लच काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसके जो है क्लच फिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम नया डालेंगे, जैसे कि ये परचेज़ किए हैं यामाहा का, ठीक है दोस्तों। अभी और ये हमारे क्लच डिस्क है इसके का, ये भी अच्छा कंपनी का, तो इसमें हम इंस्टॉल करने वाले, तो जल्दी से पैकेट ओपन कर लेते हैं। फाइनली हम क्लच प्लेट ओपन कर लिए हैं, और अब जब भी क्लच प्लेट जो लगा ध्यान देना है कि इसमें जो है ऑयल पहले लगा देना चाहिए थोड़ी सी, ठीक है दोस्तों। और क्लच में कोई झंझट नहीं है, फाइनली करनी है जैसे हम लगा रहे हैं, ऐसे आपको लगा देना है क्लच प्लेट। उसके बाद जो है ये प्रेशर प्लेट, ठीक है दोस्तों, ये प्रेशर प्लेट का उल्टा और सीधा होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देख पा रहे हैं ये है अंदर साइड को है, ठीक है दोस्तों, जो ज़्यादा प्लेन साइड है, जैसे कि आप देखोगे सही से समझ जाओगे, प्लेन साइड को बाहर करके रखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम लगा रहे हैं, तो लगाने के बाद फिर दूसरा क्लच प्लेट को लगा देना है, ठीक है दोस्तों, फिर प्रेशर प्लेट को लगाना जैसे बोले ऐसे ही सेम से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक बार फिर से क्लच प्लेट को, फिर उसके बाद प्रेशर प्लेट, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सेम सेम लगाना है, पहले क्लच प्लेट उसके बाद प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट फिर प्रेशर प्लेट, ठीक है दोस्तों। फाइनली ये क्लच हमारा फिट हो चुका है,
जैसे ये देख पा रहे हैं, इसमें चार क्लच प्लेट रहता है और तीन प्रेशर प्लेट। उसके बाद ये है अब ये सेंटर, ठीक है दोस्तों। इसको फाइनली अब जैसे मर्जी ऐसे बैठा सकता है किसी भी, ये इसके अंदर होल्स है और ये वाली डंडी मिलाते हुए बैठा देना, कैसे भी बैठा सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चार स्प्रिंग आएंगे जो कि देख पा रहे हैं ये, ठीक है दोस्तों। ये चारों स्प्रिंग को बैठा देना है। उसके बाद 10 नंबर का बोल्ट होंगे जैसे कि ये वाशर के साथ इस वाली बोल्ट को लगाते हुए हमें टाइट कर देना है चारों को, ठीक है दोस्तों। चारों बोल्ट को टाइट कर देना है हमें, सारे बोल्ट को टाइट करना है, ठीक है दोस्तों। चारों बोल्ट टाइट हो चुका है, उसके बाद हमें चेक करना है क्लच काम कर रहा है या नहीं। तो ये सीधे देख पा रहे क्लच कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये क्लच जो हमारा देख पा रहे हैं यहाँ से आज जैसे पूरा बाहर निकला हुआ है, उसके बाद इस क्लच केबल से ही बाहर निकला है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस वाले स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, एडजस्ट करना चाहिए, नहीं तो केबिल जो हमारा छोटा पड़ जाएगा। पहले इस वाले 10 नंबर के बोर्ड को लूज करना है, जैसे कि ये लूज हो चुका है। उसके बाद हम ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें वाले जो केबल का एडजस्टर है इसको भी हमें थोड़ा सा अंदर कर देते हैं ताकि बाद में फिर एडजस्ट करने में सही रहे, ठीक है दोस्तों, एडजस्ट बाद में भी कर पाएगा। थोड़ा सा इधर से भी टाइट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्लच, ठीक है दोस्तों। अभी ये सही क्लच सही है, ऐसे करके क्लच एडजस्ट हो गया। उसके बाद फाइनली हमें इस वाले 10 नंबर को बोल्ट जैसे लूज़ किए थे वापस टाइट कर देना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये टाइट हो चुका है, उसके बाद जो है हमें क्लच कवर लगाना, अब क्लच का काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सफाई से क्लच कवर को लगाना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देख पा रही है क्लच कवर है, इसका पैकिंग सही है, तो फिर भी इसमें हम हल्की हल्की बॉन्ड लगा लेते हैं ताकि ऑयल लीकेज ना हो जाए, तो लगा लेते हैं फिर फिट करेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं हमने बॉन्ड लगा लिया है, अब फाइनली क्लच कवर को फिट करना है, ठीक है। तो उससे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है, ये क्रैंक वाली जो ये सील है ये होना ज़रूरी है, नहीं तो इंजन सीज मार देगा। उसके बाद जो है क्लच कवर इस तरह का एक और इधर एक दो पुश होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फाइनली क्लच का कवर को बैठा देना है, तो बहुत इजीली बैठ जाएगा, चाहे तो एक हाथ से भी बैठा सकता है। उसके बाद जो है बोल्ट को टाइट करना है क्लच कवर का, ठीक है दोस्तों। बोल्ट को लगा देते हैं, दोस्तों पूरा बोल्ट लग चुका है, उसके बाद हमें टाइट करना है, दोस्तों हल्के हल्के हाथों से टाइट करना चाहिए पहले, ऊपर नीचे करके टाइट करना चाहिए, एक तरफ से नहीं करना चाहिए, इसका बोल्ट के ऑपोजिट करके टाइट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल टाइट हो गया, फाइनली अच्छी तरीके से टाइट कर देना है।
सारे बोल्ट को। तो और एक बोल्ट इधर रह गया था, इसे भी टाइट कर लेते हैं। तो फाइनली ये क्लच का बोल्ट टाइट हो चुका है। उसके बाद हमें ये ऑयल फिल्टर को लगा देना है नया। फिर फाइनली हमारा क्लच अब ओके हो गया। अब इसमें क्लच में रेसिंग भी नहीं होगा, सही चलेगा बाइक। ठीक है दोस्तों, बाइक में पूरा पिकअप हो जाएगा गाड़ी के अंदर, ओवर रेसिंग नहीं होगा। मैं उम्मीद है कि वीडियो देख के सब कुछ जानकारी मिल चुके होंगे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।